हम आप सभी जानते हैं कि 1929 और 30 में मध्य भारत के बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह चलाया गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और इसी क्षेत्र में इसी मैदान में वो लड़ाई लड़ी गई, जो कि बरेली पार के गंजन सिंह जी सेलू थे, जो सभी के मुखिया माने जाते थे और उनको कई तरह के माता रानी चंडी देवी से वरदान भी प्राप्त थे, वरदान भी मिले थे, जिन्होंने असीरगढ़ किले में रहकर माता रानी की साधना की। और जब ब्रिटिश शासन ने, यानी जो शाहपुर में थाना था, इस समय जो शाहपुर में थाना है ना, वहां अंग्रेजों ने थाना बनाया हुआ था, वहां से जब गंजन सिंह के खिलाफ साजिश रची गई और गिरफ्तार के जब आर्डर दिए गए, तो वहां से अंग्रेज अधिकारीगण यहां पर आए, तो गंजन सिंह की जो बहन थी रमकोबाई, वो यहीं पर रहा करते थे। क्या उन्होंने अंग्रेजों का ऐलान किया, अगर मेरे भाई की तरह आग उठाकर भी अगर तुम देखते हो तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। क्या और वही किया। जब अंग्रेज सामने आए तो हसिया उठाकर रमकोबाई ने अंग्रेज के गर्दन को अलग कर दिया। क्या आदिवासी शक्ति के सामने अंग्रेज भी फेल हो गए और तमाम हमारे जैसे कि कनक धनक जी, मोकन सिंह जी और कोवागोन, ये सभी ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, तो ये पुण्य भूमि शहीदों की बदौलत आज हम जीवित भी हैं। तो आइए उनकी शान में एक भजन सुने आप। जब उन्होंने ये लड़ाई लड़ी तो दुश्मन पर ललकार दिया, कहा क्या कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कहना है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये कहना है कि ये मिट्टी कभी मेरे हाथों को मेला नहीं करती। ये शहीदों की जमीन, शहीदों की भूमि ऐसी है कि ये मिट्टी मेरे हाथों को मेला नहीं करती। ये चाहे बंजर हो जाए पर कभी बुझदिल पैदा नहीं करती। क्या तो कहना है कि दुश्मन को दुश्मन देश अभी भी अपनी आंख उठाकर देखते रहता है। तो उन्हें और बड़ी अच्छी खुशी की बात यह है कि इसी 2024 में, जो उस समय 1929-30 में जो लड़ाई लड़ी गई थी आदिवासियों के द्वारा, उसके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है, एक फिल्म बन रही है जिसे हम बड़े बड़े सिनेमा घरों में अपने YouTube चैनल में मोबाइल के माध्यम से देखेंगे इसी 2024 में। तो कहना है कि हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है। अगर दुश्मन देश वैसे तो पहले से अकड़े हुए थे, हार हो गई, वो चले गए, इनको कहना है क्या कि हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है। अरे दुश्मन, हमको अभी भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। क्या कहना है। क्या कहना है। ऋषि से झुकाओ कदम बढ़ाओ, उनकी राह में चल के दिखाओ, ये बेला है उन चरणों में स्नान की। ओ हम कथा सुनाए गंजन सिंह बलवान की। कहना है ओ हम कथा सुनाए गंजन सिंह बलवान की। और ये जो बंजारे ढाल की हम भूमि देख रहे हैं, धरती देख रहे हैं, ये क्या है। क्या इस भजन के माध्यम से हम कहना है क्या, ये धरती है प्यारे वीरों के बलिदान। Yeah.
पुकारो कदम बढ़ाओ उनकी राह में चल दिखाओ ये बेला है उन चरणों में हमारे देश में इस तरह की एकता है। बहुत समय पहले से इस एकता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो हमारे देश में इस तरह की एकता है और ये एकता आदिवासियों को देखते हुए ही सबसे मन में जागृत हुई और इस तरह की एकता इस हमारे हिंदुस्तान में हो गई है कि मिट्टी ने की एकता तो ईंट बन गई और ईंट ने की एकता तो दीवार बन गई और दीवारों ने की एकता तो मकान बन गया और सारे मकानों ने एकता की तो ये हिंदुस्तान बन गया। ऐसी एकता है। ये 101 रुपए की राशि परमानंदी श्री परशुराम जी का से आपकी ओर से और 101 रुपए की राशि आदरणीय श्री मिश्रीलाल जी मामा से बंसीलाल जी लोखंडे आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हार्दिक अभिनंदन। अरे हम यहाँ के आदिवासी अरे मर गए देने वाले फांसी ताकत दुनिया को दिखला दे कदम बढ़ाओ उनकी राह में चल के दिखाओ ये बेला है उन चरणों में सिधारे हम कथा सुनाए चंदन सिंह बलवान की हम कथा सुनाए अब आप समय को देखते हुए महाभारत की रचना सुनेंगे। बात तो समय की है। एक समय में जब पांचों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास तो अज्ञातवास के दिनों में वो एक चक्र नगरी में एक ब्राह्मण यहां पर रहते थे। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि इस गांव का हर दिन एक नागरिक बकासुर के लिए भेजा जाता है। उस दिन ब्राह्मण की बारी आती है तो ब्राह्मण का परिवार सारा रोने लग जाता है। माता कुंती ने पूछा कि आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने सारा हाल सुनाया। माता कुंती कहती है मेरे 5 पुत्र हैं, आज ब्राह्मण देवता की जगह पर मेरा एक पुत्र जाएगा। क्या वही हुआ। भीमसेन को भेजा जाता है। भीमसेन असुर राज बकासुर का वध कर आ जाते हैं। जब सारे मोहल्ले में गांव वालों को यह पता चल गई ये बात कि बकासुर का वध हो गया तो सभी विचारने लगे कि बकासुर को जो मार दे वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। तो सभी देखने के लिए आते हैं कि आखिर में वो इंसान कौन है, आखिर ये है कौन जिसने बकासुर का वध किया। पांडव को जब ज्ञात हो जाते मन में विचारते हैं अभी अज्ञातवास पूरा हुआ नहीं है, अगर हम एक दिन भी और विलंब करते हैं तो हमारी खोल खुल जाएगी, हमें पहचान लिया जाएगा। तो वहीं से सुबह होने से पहले पांचों पांडव
वहां से निकल जाते हैं और जैसे काम्य कवन में पहुंचते हैं वहां असुरराज किरमिर मिल जाते हैं। भीमसेन आदि पांडवों को ललकार कर कहते हैं कि भीम तुमने मेरा मित्र जो मेरा भाई था बकासुर उसका वध किया है, आज मैं उसका प्रतिरोध लेने के लिए आया हूँ, आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने वाला हूँ। भीमसेन कहने लगे दुष्ट क्या तुझे ज्ञात नहीं अभी तक कोई हमारा बाल बांका कर नहीं सका फिर तेरे क्या औकात है। कह रहे हमें मारने वाले मर गए मैदान में तो आए फिर वो घर नहीं। कहा कि किरमी हमें मारने वाले कई मर गए मैदान में तो आए फिर वो दोबारा घर नहीं गए। अरे तू धरती पे चल उड़ मत नजर में दिख जाएगा, अरे सामना कर ले तो जरा देर टिक जाएगा क्योंकि ये महाभारत की लड़ाई खेल नहीं है बच्चों का। अरे कट जाता है सब। और सुन कहा कि कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता, कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता और पीतर कभी बटेर नहीं बन सकता, कितना ही दम लगा ले भैया कुत्ता कभी से नहीं बन सकता। कहना भीमसेन कहने की अब तू आ ही गए हो तो आ जाओ अभी निर्णय हो जाएगा। क्या कह रहे हैं दोनों के बीच में जब संग्राम होता है असुरराज किरमिर कभी छिप जाते हैं अपनी माया के द्वारा कभी सामने आ जाते हैं अंबर से आकाश मार्ग से युद्ध करते हैं भीमसेन सामना करते हैं। कभी चेहरा छिपा लिया वो कभी चेहरा छिपा लिया कभी पत्थर चला दिया कायर रे कहा कि ऊंट के ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तूने अपनी गर्दन फस फसा ली क्या कह रहे हैं। कभी चेहरा छिपा लिया कभी पत्थर चला दिया ओ कायर रे क्या कहा अरे गर्दन फसा लिया तूने को बगा लिया क्या कहा रे गर्दन फसा लिया तूने सिंको लगा लिया गर्दन छिपा लिया श्री महावीर भजन मंडल सोयत भोपाल तैयार होकर मंच के समीप आ जाए।
भीमसेन किस तरह से असुरराज किरमिर का लाल घोसों से वध करते हैं और क्या कह रहे हैं, किरमिर जा तेरे जैसे कई आए और गए, क्या कह रहे हैं, अरे तेरे जैसे तेरी औकात नहीं है मुझसे युद्ध करने की, क्योंकि शहर के नलों की टक्कर में देहात का एक तालाब काफी होता है और मर्द की आबरू के लिए भी मूंछ का एक बाल काफी। तो क्या कहना है, हो जा जा रे जा करो असुरराज किरमिर का वध करते हैं भीमसेन। क्या कह रहे हैं, वो तू तो जान से गया गया गया, बोल देंगे ये 501 रुपए की राशि आई है, इसमें परमानंद श्री जे एल एल कासदे जी एस डी ओ नर्मदा पुरम आपकी ओर से और आदरणीय श्री राम किशन से लविस्कर आपकी ओर से भी ये 201 रुपए की राशि आई है और ये 101 रुपए की राशि 201 रुपए की राशि श्रीमती सरस्वती जी नेपाल सिंह बारस्कर ग्राम पंचायत बंजारी ढाल सरपंच महोदया आपकी ओर से भी मंडल को इनायत और ये 101 रुपए की राशि श्रीमती सुखमनी जी सुदामा सिंह ठाकरे जी आशा सुपरवाइजर आपकी ओर से मंडल को सप्रेम भेंट हुए हैं और ये 201 रुपए की राशि परमादरणीय श्री बस्ती राम जी बारस्कर सचिव महोदय आपकी ओर से और 101 रुपए की राशि अनीता जी लोखंडे और 101 रुपए की राशि मनीता चौहान आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए और देखिए अंत में किस तरह से असुरराज किरमिर का वध होता है। श्री महावीर भजन मंडल के समीप बजाएं। श्री महावीर भजन मंडल आप अतिथि के मंच के समीप पहुंचे। भीमसेन कह रहे हैं क्या, तू तो जान से गया गया
कह रहे हैं तेरे जितने भी आने वाले हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे अब तेरे मन में भी हेलो